हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलईडी रिपेयरिंग के बारे में। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं मैंने तीन तरह की एलईडी प्लेट ली हुई हैं। तो जैसे कि एलईडी रिपेयर करना है आपको इस तरीके से, तो आप कौन सी प्लेट लगाएं तो आपका कितना टाइम तक चले, मतलब कितनी अच्छी से लाइट देगा, और जो है ये मतलब कितना ज़्यादा सक्सेस होगा, कितने रुपए में क्या बन पाएगा, तो इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को अब सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहले ये आती है एलईडी प्लेट, DOB एलईडी प्लेट। ये सबसे सस्ती प्लेट आती है, ये जो है इसको आपको लगाएंगे तो बहुत ही सस्ती प्लेट है। ये आपको मार्केट में 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये ऐसे मिल जाएगी। और ये वाली एलईडी प्लेट थोड़ा सा महंगी आती है, ये आपको 10 रुपये के लगभग देखने को मिलने वाली है, 10 रुपये, 15 रुपये, 8 रुपये जैसा मार्केट का रेट होता है। ये इससे ज़्यादा टिकाऊ होती है, इसमें कंडेंसर, IC और रेक्टिफायर सब कुछ लगा हुआ है, और इसमें रेजिस्टेंस भी पड़ा हुआ है, और इसमें लाइन और न्यूट्रल आपको सीधा कनेक्ट करना है और आपको इसे चलाना है। और ये वाली DOB प्लेट जो आती है, इसे अल्फा प्लेट बोलते हैं। और ये वाली जो DOB आती है, इसमें जो है ये सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, और इसमें जो है ये ड्राइवर भी लगाना होता है, जो कि इस प्रकार से आते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर देख पा रहे हैं आप रखे हुए हैं, ये ड्राइवर हैं। इसी तरीके से हम इन्हें निकाल करके एक पीस आपको दिखा रहा हूँ मैं। इन दोनों को आपको यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव कनेक्ट करना है, और इधर से आपको AC लाइन इनपुट करनी है, और इसमें लाइट भी अच्छी मिलती है हमें देखने में। और ये सेट जो है बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ होता है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। ये आपको जो है तकरीबन इन दोनों का मिला करके आपको जो है 20 रुपये का, 25 रुपये का लमसम 20 रुपये का पड़ जाता है सेट। तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, 15-20 रुपये इस तरीके से। तो मैं रेट एकदम क्लियर इसलिए नहीं आपको बता सकता, क्योंकि हर मार्केट का रेट अलग होता है। कहीं पर ये DUV प्लेट 3 रुपये की है, तो कहीं 7 रुपये की है, कहीं 8 रुपये की है, तो इस तरह से रेट आगे पीछे होते रहते। तो मार्केट का आपको मार्केट में हर जगह मिल जाएंगी ये प्लेट। बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको बताना कि कौन सी प्लेट लगाएंगे तो कितना ज़्यादा LED हमारी सक्सेस होगी। तो इसी प्रकार से जो मैंने सैंपल दिए 9 वाट का है, तीनों 9 वाट की हैं। बस इसमें जो है आप जैसे ज़्यादा लेंगे, मतलब कि वाटेज का ज़्यादा का मिल जाएगा, कम की लेंगे तो कम का मिल जाएगा। 12 वाट, 15 वाट, 18 वाट, 50 वाट जैसा भी आप लेना चाहें सब आपको अवेलेबल होती है मार्केट में, आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से मेरा वीडियो बनाने का मकसद बस यही था कि आपको बताना कि आपको कौन सी प्लेट लगाना जिससे लाइट अच्छी मिले। आप इसको लगा देंगे तो बिल्कुल जैसा कंपनी जैसा बल्ब जलता है वैसे ही बल्ब की लाइट होगी आपकी। इसमें थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल सकती है, बाकी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट लमसम बराबर ही मिलेगी आपको। और इसमें लाइट आपको अच्छी नहीं मिलेगी, इसमें आपको लाइट बस हाँ बल्ब जल रहा है, मतलब कि नीलापन रहेगा बल्ब में, प्योर वाइट बल्ब नहीं जलेगा, और इस ज़्यादा टिकाऊ भी नहीं होती है। तो इस तरीके से थी ये वीडियो, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, इस तरीके से ये देखिए, ये इस तरीके से पत्ते आते हैं जो कि ये LED प्लेट के होते हैं, और इसी तरीके से हर वाटेज के हिसाब से ये रहते हैं, कितना वाटेज का आपको चाहिए सब मिल जाते हैं ये। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।